हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का। और देखिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन को डिस्कस करने का रीजन जो है टेक्निकल चार्ट पे है, और चार्ट पे ये विजिबल है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि नीचे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने के लिए हम लोग जो है पूरे चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है और क्या टारगेट हमें हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि उनको इस तरह के इन्फॉर्मेशन तो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ईयर नवंबर में, यानी नवंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो ये शेयर उस समय जो है 70 रुपये 73 रुपये के आसपास चल रहा था, और 73 रुपये से ये शेयर जो है आज के डेट में आपको 350 रुपये के आसपास तक जा चुका है। तो अब थोड़ा सा चार्ट को पैटर्न को ड्रॉ करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग को कुछ चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ बात कर ले दोस्तों, यदि 1 साल के चार्ट पे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ 70 रुपये के भाव से यदि बात कर ले लास्ट अक्टूबर से, यानी 1 साल पहले 2020 की बात करें, तो 70 रुपये के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया था, और इसमें जो हाई बना था वो था 80 रुपये के आसपास का, और ये हाई बना था आपका नवंबर 25 में। और फिर ये जो है ये 80 रुपये का भाव जो है वो टूटा था आपको 24 दिसंबर का। और देखिए यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने जो है अच्छे खासे 110 रुपये यानी 30 रुपये का जंप दिखाया। तो लगभग आपको मान के चलिए कि 40% का जंप देखने को मिला था। जब 40% का जंप हुआ था दोस्तों, तो ये प्राइस जो है फिर कब तक नहीं टूटा है या अचीव नहीं किया है, बात कर लें 114 रुपये हाई था तो ये नहीं टूटा है आपका। देखिए 114 का भाव हम लोग देखें तो ये देखिए अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद हम लोग मई में आ जाते हैं 3 मई को। तो आप देखिए इसमें टाइम, हम लोग टाइम बाउंड को देखते हैं तो दिसंबर यानी जनवरी देख लीजिए, जनवरी से आप एक तरह से पूरा अप्रैल, तो 4 महीने का जो समय था दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको 114 रुपये पे टिकता हुआ नज़र आ रहा था। और ये प्राइस जो है आप देखिए फिर एक बार हाई लगा था 15 मार्च को, 3 महीने के बाद, तो यहाँ पे एक हाई बन गया था। तो इसको गैप कर लेते हैं, लेकिन जो ये लेवल है 114 का ये टच करता रहा था सपोर्ट लेके, तो जहाँ पे हाई बना था और उससे भी नीचे बात कर ले तो एक जंप यहाँ देखा तो ये सपोर्ट यहाँ पे 108 रुपये का। तो 108 से लेकर 123 के बीच में आप देखें तो आपको 4 महीने का पैटर्न दिखता है पूरा। जब ये पैटर्न टूटता है, 123 का भाव टूटता है, तो फिर देखिए यहाँ पे 7-8 ट्रेडिंग सेशन जो है कंसोलिडेशन होता है, एक हाई मिलता है वहाँ पे 133 रुपये का। और जो 133 के बाद आपको देखा जाए तो 19 मई के बाद जो इसने रैली दिया था वो रैली काफ़ी सस्टेनेबल था। और ये देखा जाए तो मई से 1 महीने में इसने जो है 170 के लेवल पे गया। तो आपको यहाँ टाइमिंग दिखा रहे हैं कि जो 4 महीने का गैप था दोस्तों, ये 4 महीने का जो गैप है 90 से लेकर, और ये 4 महीने जो है ये हाई को जो ये हाई लग गया था जो दिसंबर में, वो क्या हो रहा था यहाँ पे इसी लेवल के आसपास बना हुआ था। ठीक है, 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जो है इसने एक अच्छा मूव दिखाया, वो 122 से आपको 70 तक यानी 50 रुपये का भाव देखने को मिला। तो लगभग देखा जाए तो 50% के आसपास, 45-50% के आसपास का जंप देखने को मिला। और फिर यहाँ देखिए 7-8 ट्रेडिंग सेशन जो है आप देखिए 1 महीने यहाँ पे देखा जाए तो 11 जून से आपको 25 जून तक इसने कंसोलिडेट किया, और फिर एक जंप देखने को मिला आपको 205 का, और 205 का लेवल जो था 7-8 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे जंप किया। और बात कर ले तो फिर इसने जो हाई लगाया 243 का, तो 243 का जो हाई लगा दोस्तों, तो ये देखा जाए तो आपको ये टाइम से देखा जाए तो 10 मई से लेकर इसने जो है 19 जुलाई तक, तो यानी 10 मई आपका जून 2 महीने ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ से यदि बात कर ले यहाँ से मई से लेकर जून तक ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में देखने को मिला इसका शेयर। और यहाँ से जो है अभी कितना टाइम हो रहा है देखिए, 19 जुलाई से देखा जाए तो 19 अगस्त आपका निकल गया, 19 सितंबर निकल गया, अब आ गया अक्टूबर, तो 3 महीने के आसपास का समय हो चुका है। और हमें लगता है कि ये शेयर अभी जो है यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो या तो देखिए ये क्यों जा सकता है, यहाँ से जो है अभी इसने जो है कंसोलिडेशन जो है अच्छा खासा जो नीचे के लेवल दिखाए थे 180 रुपये का इसने सपोर्ट लिया था। और बात करें कि ये जो एक ग्रीन कैंडल बना था इस कंसोलिडेशन के बाद,
तो यही एक आपका क्या हो रहा है, सपोर्ट बन रहा है। पहला सबसे लास्ट सपोर्ट ये बन रहा है 170 के आसपास, 175 के आसपास, और एक सपोर्ट आपका बन सकता है जो कि ये हाई लगा था 204 का। तो ये 204 का लेवल जो है आपका यहाँ पे क्रॉस कर चुका है, और देखिए ये मैक्सिमम जो क्लोजिंग थी यही 204 से 207 के आसपास हो रहा था। आप मैक्सिमम देखिए, अरे बात करें 28 जुलाई से, तो ये 2 महीने से इस पे हो रहा था, और आज के डेट में ये हाई लगाया था 222 रुपये का, और ये लगभग आपको पहुंच रहा है कहाँ पे, ये आपका हाई जो है 229 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे हाई है, तो काफ़ी नियर है 217 रुपये से 228 रुपये। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देखिए पोजीशन जरूरी नहीं है कि बनाना है, मैंने देखिए इसको 200 लेवल के पहले बनाया था, उन्होंने जो बनाया है उसको क्या करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, और वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपको 207 रुपये का रखना चाहिए, 206 से 7 का रखना चाहिए, और यहाँ से जो है आपको वेट करना चाहिए। यदि नया एंट्री करना है तो यदि शेयर 230 के ऊपर निकलता है तो आप न्यू एंट्री यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको पहला बार जो टारगेट मिले वो 243 का, और 243 का यदि टारगेट निकलता है दोस्तों तो फिर जो है आपको यहाँ से 30-40% का रिटर्न, यानी मान के चलिए यहाँ से 75 से 80 रुपये का रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकता है इस लेवल से, ये मेरा मानना है। यहाँ से मोमेंटम बहुत तेज़ी आ सकती है। बात कर ले कि इसका ऐसा क्या है फंडामेंटल में, देखिए दोस्तों इसका रीजन देखिए यहाँ पर दिखता है, फंडामेंटल इसका बहुत ही अच्छा है। और बात कर ले इसमें राकेश जुनीवाल ने 50 रुपये के आसपास पे इसमें इन्वेस्टेड है, और यहीं पर देखा जाए इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों वो 9.49% है वर्सेस इंडस्ट्री का 2.8% है। वहीं मार्केट शेयर देखा जाए तो 26.67% है, जबकि मार्केट शेयर इंक्रीज किया 36.42 पे ले गया, 26 यानी 10% से ज़्यादा का मार्केट शेयर बढ़ा है। और वहीं बात करें नेट इनकम का, तो इनका नेट इनकम जो इंडस्ट्री इनकम से हायर है, नेट इनकम 6.79 है जबकि इंडस्ट्री का 5% है। बात कर ले इनका जो अभी का प्राइस है वो थोड़ा महंगा दिखा रहा है, लेकिन रिटर्न इसने अच्छा दिया है, डिविडेंड अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, और कोई रेड फ्लैग नहीं है इस शेयर में। अब बात कर ले यहीं पर फिनांशियल्स की, तो देखिए 2018 से 3,540.68 करोड़ का जो है रिवेन्यू होता था, आज के डेट में 5,000 के से भी ऊपर का रिवेन्यू है, यानी रिवेन्यू जो है ये प्री कोविड लेवल से ऊपर जा चुका है, और तो ये अच्छी बात है। और बात कर ले यहाँ पे पीयर कंपटीटर की, तो पीयर्स में देख लेते हैं तो दोस्तों कौन कौन से इसके पीयर कंपटीटर हैं, तो वहाँ पर देखिए फर्स्ट सोर्स में का जो पी रेशियो है वो 40.99 है, पीवी जो है 5.29 है, और डिविडेंड जो अच्छा खासा देता है 1.41% का डिविडेंड में अच्छा खासा डिविडेंड देता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली जो है इस शेयर को हम लोग चूज कर सकते हैं, और टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे RSI जो है 14 दिन का 73.10 के आसपास है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, आगे भी आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है इसके शेयर प्राइस में। और बात कर ले यहीं पे आपका इंक्रीज़ किया है फाइज ने अपनी होल्डिंग, ये जो सबसे इंक्रीजिंग है जिसकी वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है फाइज ने अपना देखिए लगातार जो है अपने स्टेक को बढ़ाया है, सॉरी म्यूचुअल फंड ने लगातार स्टेक को बढ़ाया है, और FIs जो है वो भी लगातार इसमें अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। बात कर ले प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है स्टेबल बना हुआ है, और तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव है, FIs DIIs ये लोग जो है अपना बढ़ा रहे हैं स्टेक, तो कोई ना कोई अच्छी बात जरूर है तभी वो बढ़ा रहे हैं, ये भी हमें एक कॉन्फिडेंस देता है। बाकी हमने देख लिया सारा चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है दोस्तों। और बात तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।